दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एसओजी ग्रामीण एवं थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा स्कूटी सवार अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। इस दौरान घायल के अन्य साथी फरार हो गए। दरअसल 11 नवंबर को एसओजी टीम एसपी ग्रामीण और थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा तिबड़ा बम्बा से मानकी रोड के पास वाले रास्ते पर स्कूटी सवार गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। एसपी सिटी ने बताया कि घायल आरोपी के खिलाफ करीब 12 से अधिक गोकशी और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, स्कूटी, रस्सी और एक छुरा बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी ने बताया कि उसका नाम आस मोहम्मद है और वो समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ का निवासी है। उसने बताया कि वे अपने साथी गोलू के साथ मिलकर पशुओं को जंगल में ही काट कर 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने बाजार आते थे। वे इससे पहले गाजियाबाद के भोजपुर इलाके, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर आदि इलाकों में गोकशी की घटना कर चुके हैं और आज भी वे गायों की तलाश में थे। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हिंडन अंडर पास पे आज पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम है नमन कपूर और विवेक बंसल। इन लोगों ने अभी 9/11/2022 को ही थाना क्षेत्र साहिबाबाद में 2.5 लाख रुपए शीशा तोड़ करके चोरी किए थे। उस मुकदमे में वांटेड थे तथा इन पे दिल्ली से एक अपराधी पे 5 मुकदमा और दूसरे अपराधी पे 4 मुकदमे दर्ज हैं। ये लगातार सक्रिय अपराधी हैं जो कार का शीशा तोड़ करके और बैग चुराते हैं। सर, अब आज क्या सूचना मिली थी पुलिस को, मुखबिर के द्वारा क्या सूचना मिली थी कि आज ये कोई किसी घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे और इंदिरापुरम का रास्ता जाता है यहां से? ये 9/11/2022 की जो घटना थी साहिबाबाद क्षेत्र में, उसमें हम लोगों ने इन अपराधियों को चिन्हित कर लिया था। आज ये सूचना थी कि आज पुनः ये अपराध करने के लिए इधर हिंडन पुल और इंदिरापुरम क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसी सूचना पर यहाँ पे चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान ही अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी।